था, इसका फोर लेक्चर हमारे पहले हो गए थे, फिफ्थ लेक्चर है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, 1.3 तक हमने कर लिए थे। आगे हमारे पास है 1.4, एट दी 1.4 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, एट दी फॉलोइंग मासेस गिवन इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस 2.189। फिर हमारे पास दूसरी है इसकी अटल है 0.089, फिर थर्ड वाली है 11.8 एंड 5.38। अब वो कह रहा है कि हमारे पास ये मास गिवन है और किस में गिवन है, केजी में, हर किसी के साथ केजी नहीं लिखा है इसलिए पहले लिख दिया कि जो गिवन है केजी में। अब इनको क्या करेंगे ऐड, बहुत सिंपल से है कि हमारे पास सबसे पहले मास m1, ये m1 की वैल्यू लिख दी, फिर इसके बाद हमारे पास है m2, m2 की वैल्यू लिख दी, फिर हमारे पास है m3, तो m3 की वैल्यू लिख दी, फिर हमारे पास m4, तो m4 की वैल्यू लिख दी। आगे वो बता रहा था केजी में गिवन है तो हमने इनका यूनिट केजी लिख दिया। अब वो कहता है कि ऐड करें, अब हम टोटल मास ऐड कैसे करेंगे, फोर मास है, फोर मास को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास को हमने m का नाम दे दिया, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब इनकी ये m1 की वैल्यू लिख दी, m2 की, m3 की, m4 की। अब तीनों का हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, 19.398 kg। अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो ये 3 है, ये 9 है, तो 3 को क्या कर देंगे 4। तो ये हमारे पास था 1.4 न्यूमेरिकल। आगे हम आते हैं 1.5 की तरफ, तो 1.5 हमारे पास क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ जी एंड इट इज अनसर्टेनिटी टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी फ्रॉम द फॉलोइंग लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जी की वैल्यू फाइंड करेंगे स्मॉल जी की, जो किस फार्मूले से, इस फार्मूले से जो हमने पहले आपने डेथ में पढ़ा होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी सिंपल पेंडुलम के लिए। अब वो नीचे उसकी बता रहा है कि ये जी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। अब गिवन हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडोलम, या हमने जो सिंपल पेंडोलम का पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास क्या है, सिंपल पेंडोलम की लेंथ है, तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडोलम एल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास गिवन है सेंटीमीटर को, क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1 मीटर। फिर वो कह रहा है कि टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन, ये देखो ये पेंडोलम है, अगर इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे छोड़ते हैं जैसे झूला हमारे पास होता है, तो अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ये वाली 20 वाइब्रेशन होती हैं तो इनका टाइम जो हमारे पास है 20 वाइब्रेशन का 40.2 सेकेंड। लेकिन हमें चाहिए, ये हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी, लेकिन हमें चाहिए टाइम फॉर 1 वाइब्रेशन, तो क्या कर देंगे 20 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 40.2 पे, तो क्या आता है 2.10 सेकेंड। अब हमारे पास वही वाला फार्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी इसका अंडर रूट, तो यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या कर देंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों साइड पे स्केयर लेंगे तो टी का स्केयर यहाँ पे क्या आता है 4 पाई का स्केयर, ये स्केयर और अंडर रूट आपस में करेंगे कैंसिल एल ओवर जी। अब हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, जी इस साइड पर चला जाएगा, टी यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास जी इज इक्वल टू 4 पाई का स्केयर एल ओवर टी का स्केयर। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं जी 4 और जी की वैल्यू, सॉरी पाई की वैल्यू 3.14 इसका स्केयर और एल की वैल्यू 1, इसके बाद टी का स्केयर, टी की वैल्यू 2.01 इसके ऊपर स्केयर, तो जब इसको हल करते हैं तो क्या आता है 9.76 मीटर पर सेकेंड का स्केयर। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 1.5। इसके बाद हम आते हैं 1.6 की तरफ, तो 1.6 में हमारे पास है व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी कैपिटल जी इन द फार्मूला। अब वो कह रहा है कि जी कैपिटल जी जो हमारे पास है इसका यूनिट भी फाइंड करेंगे और इसका डायमेंशन भी फाइंड करेंगे, तो किस फार्मूले से, ये फार्मूला भी स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। अब फोर्स एफ हमारे पास फोर्स है, इसका यूनिट क्या आता है न्यूटन, जी हमने फाइंड करना है, एम हमारे पास मास है इसका यूनिट के जी, एम टू ये भी हमारे पास मास है इसका यूनिट के जी,
रेडियस का यूनिट कहते हैं मीटर इसका स्केयर। तो ये क्या बन जाता है, न्यूटन मीटर का स्केयर इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिए, केजी को केजी से मल्टीप्लाई करते हैं तो केजी का स्केयर। जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जी इस साइड पे सॉरी ये केजी का स्केयर इस साइड पे हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास एक यूनिट ये भी बन जाते हैं जी न्यूटन मीटर का स्केयर, ये केजी जब ऊपर जाएगा तो केजी की -2। इसको हमने यहाँ पे फिर दोबारा ये वाली स्टेटमेंट लिख दी कि एनएम न्यूटन मीटर का स्केयर केजी का स्केयर। अब ये देखो यहाँ पे अगर हम फिर हम आते हैं इसके डायमेंशन की तरफ, अभी हम डायमेंशन फाइंड करने जा रहे हैं। अब डायमेंशन में हमारे पास ये देखो न्यूटन की जगह पे, इस न्यूटन की जगह पे न्यूटन की वैल्यू क्या आती है, एफ इक्वल टू एम ए मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हमने इस न्यूटन की जगह पे ये वाली न्यूटन की वैल्यू पुट कर दी, मीटर का स्केयर यहाँ पे वैसे के वैसे, केजी का स्केयर वैसे के वैसे। तो अब इस केजी से ये वाला केजी क्या होगा, स्केयर से कैंसिल, मीटर को मीटर का स्केयर से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर का क्यूब, और ये सेकंड का स्केयर वैसे के वैसे ये केजी। अब मीटर के लिए हमने पहले पढ़ा था डायमेंशन क्या लिखते हैं, एल इसके ऊपर क्यूब वैसे के वैसे, सेकंड का स्केयर यानी टी का स्केयर, और के जी की जगह पे कैपिटल एम ये वाला वैसे के वैसे। अब ये एम को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे एम इनवर्स, और इसके बाद जब ये एल की थ्री वैसे के वैसे, टी को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो टी की -2। अब हमारे पास जी का डायमेंशन क्या आते हैं, एम इनवर्स एम की -1, एल की थ्री, टी की -2, ये हमारे पास डायमेंशन है, ये हमारे पास इसके यूनिट है। ओके अल्लाह हाफिज़।